नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आज 10 सितंबर, चलिए देखते हैं कोरोना 19 की क्या रिपोर्ट है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग एरिया में। 37 एसएमसी सिलीगुड़ी, 11 माटीगाड़ा, 6 सुकना, 17 नक्सलबाड़ी, 3 खारीबाड़ी, 6 फांसीदेवा, 2 करसियांग, 6 दार्जिलिंग, 2 पुल बाजार बिजनवाड़ी में, 6 सुखिया पोखरी में और 4 कालिम्पोंग में कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें से कि कालिम्पोंग में एक नगर पालिका उपाध्यक्ष के साथ 3 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 76 डिस्चार्ज हो गए हैं। अब बात करते हैं सिक्किम की, जहां आज 10 तारीख को सिक्किम में 20 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से ईस्ट सिक्किम में 20 एक्टिव केस हुए, 532, 1470 लोग ठीक हो चुके हैं, 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, यानी टोटल ओवरऑल हुआ 2009। अब चलते हैं नॉर्थ बंगाल की तरफ, जहां पर कोरोना संक्रमित के कितने केस आए हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अलीपुर द्वार जिले की तरफ, जहां पर 78 नए केस दर्ज किए गए हैं, यानी टोटल केस हुए 3010, 2347 लोग जिसमें से ठीक हो चुके हैं, 26 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, टोटल एक्टिव केस हुए 637। कूचबिहार जिला में 91 नए केस दर्ज किए गए हैं, यानी टोटल केस हुए 3954, जिसमें से 3284 लोग ठीक हो चुके हैं, 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, टोटल एक्टिव केस हुए 654। दार्जिलिंग जिला में 57 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से टोटल केस हुए 5828, 5068 लोग ठीक हो चुके हैं, 84 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, यानी टोटल एक्टिव केस हुए 676। कालिम्पोंग जिला में 19 नए केस सामने आए हैं, यानी टोटल केस हुए 570, 494 लोग ठीक हो चुके हैं, 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, टोटल एक्टिव केस हुए 73। जलपाईगुड़ी जिला में 83 नए केस दर्ज किए गए हैं, टोटल केस हुए 4382, जिसमें से 3739 लोग ठीक हो चुके हैं, 37 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, टोटल एक्टिव केस हुए 606। उत्तर दिनाजपुर जिला की बात करें तो वहां पर 68 नए केस सामने आए हैं, यानी टोटल केस हुए 2643, जिसमें से 2321 लोग ठीक हो चुके हैं, 23 लोगों की मृत्यु हो गई है, टोटल एक्टिव केस हुए 299। दक्षिण दिनाजपुर जिले में 94 नए केस सामने आए हैं, टोटल केस हुए 4265, जिसमें से 3823 लोग ठीक हो चुके हैं, 27 लोगों की मृत्यु हो गई है, टोटल एक्टिव केस हुए 415। मालदा जिले में 60 नए केस आज बीते 24 घंटों में सामने आए हैं, यानी टोटल केस हुए 5305, जिसमें से 4976 लोग ठीक हो चुके हैं, 44 लोगों की मृत्यु हो गई है, टोटल एक्टिव केस हुए 285। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3-6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी, कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरण Wonderful place of education, IKFAI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. IKFAI University, Sikkim. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपोवेयर। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल
स्वदेशी मंगलयान, तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान। हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या आत्मनिर्भर भारत की पहचान।